कराची में खालिद बिन वलीद रोड पर वारदात डाकुओं को महंगी पड़ गई। नौरानी कबाब के करीब मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू अब्दुल रहमान नामी शहरी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। अब्दुल रहमान ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया और अपने पिस्तौल से फायरिंग करके दो डाकुओं को ढेर कर दिया। लुटेरों के साथ फायरिंग के तबादले में दो राहगीर भी जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले एक डाकू की शनाख्त आगा गुल के नाम से हुई, जो कई वारदातों में मतलूब था। मुलजिमों के कब्जे से असलहा और मोबाइल फोन बरामद हुआ। दूसरी जानिब माड़ीपुर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, चार मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तीन पिस्तौल और दो किलोग्राम मंशात बरामद कर ली। कैमरामैन दानिश अली के साथ मोहम्मद सलमान, 92 न्यूज़, कराची।